तो सबसे पहले डालेंगे तेल, तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। और अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से मिक्स करना। सॉरी मैं इसमें जीरा डालना भूल गया, आप लोग इसमें जीरा डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट को ब्राउन होने तक पकाना है। और अब इसमें डालेंगे चॉप अनियन, इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। प्याज को तेल छोड़ने तक पकाना है हमें। अब इसके बाद इसमें डालना है टोमेटो प्यूरी, और अच्छे से मिक्स करना है। और अब इसमें डालेंगे मसाले, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और चिली पाउडर। और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट तक पकाना है। अब इसके बाद इसमें चिकन डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और अब इसको ढक के 10 मिनट तक पकाना है। और 10 मिनट बाद इसको चेक करना है और इसमें पानी डालना है। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने पानी जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए, थिन और थिक, जैसे भी आप चाहे वैसे बना सकते हैं। और अब बाद में इसको 15 मिनट तक कवर करके इसको पकाना है और चेक करना है कि चिकन बन गया है कि नहीं। देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।